मेरी मुलाकात तुमसे यानी फेमस पेंटर थाउजेंड से हो ही गई। तो अगर तुम लोगों ने मेरी बेन 10,000 हिंदी डब वीडियो देखा है तो तुम में से काफी सारे लोगों को स्टोरी समझ नहीं आई होगी, और हाँ अगर स्टोरी भी समझ आई होगी तो तुम लोगों ने वो ईस्टर एग्स तो जरूर मिस कर दिए होंगे जो कि अपनी ओरिजिनल सीरीज में से लेकर इस वीडियो में डाले गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ बेन 10,000 का। तो अगर तुम लोगों ने मेरा हिंदी डब वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लो, आई बटन पे भी आ रहा होगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो पहले वो देख लेना। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारे ऑसम फैक्ट और ईस्टर एग्स हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक फैन मेड एनिमेशन है जो कि ब्राजीलियन यूट्यूबर लुक्स टेनेब्रिस ने बनाई है। तो चलो अब स्टोरी पे आ जाते हैं। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम लोगों को दिखाया जाता है फोर आर्म्स जो कि विलगैक से लड़ रहा था। और अब अगर तुम्हें नहीं पता ये लोग कहां पर है इस टाइम, तो ये लोग ज़ीनोन प्लेनेट पे है जहां पे एज़मथ ने ओमनीट्रिक्स की क्रिएशन की थी, और क्लासिक में भी फर्स्ट टाइम हमें एज़मथ यहीं पर दिखाया गया था। अब यहां पर विलगैक बेन के साथ लड़ रहा होता है और उसने अपने डीएनए को कुछ मॉडिफाइड किया होता है और उसके पास वुल्वरीन जैसे क्लोज आ जाते हैं जिससे वो बेन का हाथ काट देता है, लेकिन वो यहाँ पे स्वॉर्म फायर बन के और अपने आप को हील कर लेता है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि जो विलगैक्स था वो बेन से 10 साल बाद मिल रहा था और वो अब अपना इंतकाम लेकर ही वापस जाएगा। और यहाँ पर जो है विलगैक्स के रोबोट्स आ जाते हैं जिनसे बेन स्नैरो में ट्रांसफॉर्म होकर लड़ रहा होता है, और यहाँ पे हमें एज़मथ भी दिखाया जाता है जो कि अपने रोबोटिक सूट में था। अब यहाँ पे विलगैक्स उसे घायल कर देता है और कहता है कि अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, तो एज़मथ अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है अपने सूट की मदद से, और ये चीज बेन भी देख लेता है। अब यहाँ पर बेन ज़ाइलिन के स्पीशीज में ट्रांसफॉर्म था जिनका नाम है एक्सोरॉइड, तो ये भी रेफरेंस था क्लासिक से। अब यहाँ पे बेन रैथ में ट्रांसफॉर्म होके उस जगह को फाड़ता है और एज़मथ को वहां से निकालता है, और वो यहाँ पे जिक्र भी करता है कि मैं क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होके सब कुछ रिवाइंड कर देता हूँ। इसका मतलब इस वाले बेन ने पहले भी कुछ ऐसा किया होगा जो वो भी करना चाह रहा था, लेकिन एज़मथ उसे मना करके और यहाँ पे ये कहकर कि मुझे तुम पर भरोसा है और मर जाता है। अब यहाँ पर बेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है विलगैक्स पे और वो काफी सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और विलगैक्स को काफी पीटता है, बहुत ही ज्यादा पीटता है। जैसा कि हम लोगों को क्लासिक में भी वेबिक से विलगैक्स को हराते हुए दिखाया गया था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि विलगैक्स हार मानने को तैयार नहीं है और वो अपने क्लोज को बेन के ओमनीट्रिक्स में डाल के वहां से उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पर बेन के ओमनीट्रिक्स की पावर लो हो जाती है और वो चलना बंद हो चुका था। अब विलगैक्स यहाँ पे रिवील करता है कि ओमनीट्रिक्स के पावर अब उसको मिल चुके हैं। अब वो बताता है कि ये सब पॉसिबल कैसे हुआ। तो जब बेन ने उन दोनों को नल वर्ल्ड में फेंका था विलगैक्स और केविन को, तो विलगैक्स ने क्या किया कि केविन को वहां पे पकड़ा, वहां पे उसको एक मशीन पर लगाकर कुछ गॉन्टलेट्स की मदद से उसके और अपने डीएनए को मर्ज कर लिया। अब इसके बाद यहां पे ओमनीट्रिक्स चल नहीं रहा, लेकिन यहां पे अचानक से ओमनीट्रिक्स रीबूट होता है और हमें एलियन एक्स दिखाया जाता है और बेन उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये क्लासिक के स्टाइल से किया गया था, कमाल ट्रांसफॉर्मेशन था यार, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड था। अब यहां पे विलगैक्स कहता है कि मैंने सुना है कि तुम इस वाले एलियन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्ट रेफरेंस था हम लोगों की ओरिजिनल सीरीज से जिसमें हम लोगों को दिखाया गया था कि बेन एलियन फोर्स और अल्टीमेट यहां तक ओमनीवर्स के स्टार्टिंग के टाइम पे एलियन एक्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन फिर लास्ट सीजन में ओमनीवर्स की जाके उसे फुली कंट्रोल मिल चुका था। तो भाई यहां पर एलियन एक्स विलगैक्स की बहुत गंदे वाली धुलाई करता है कि इतनी गंदी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब ये रेफरेंस सीधा क्लासिक से दिया गया है हम लोगों को बेन 10,000 वाले एपिसोड का, जिसमें हमें ये खड़ूस बेन दिखाया जाता है और इसने जिक्र भी किया था कि इसने विलगैक्स को इतना मारा कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और विलगैक्स का क्या? पिछली बार तो मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसकी मैंने ऐसी हालत बना दी कि बस पूछो मत। और ये कुछ वैसा ही हाल कर दिया है इस वाले बेन ने भी, तो शायद से ये क्लासिक का रेफरेंस हो सकता है। बेन यहाँ पर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पर ग्वेंडोलिन और अल्टिमो आते हैं। जी हाँ, केविन नहीं है क्योंकि केविन तो नल वर्ल्ड में ऑलरेडी मर गया होगा क्योंकि उसकी सारी पावर विलगैक्स ने एब्जॉर्ब कर ली थी। यहाँ पे अल्टिमो कहता है कि अर्थ सेफ है, हमने विलगैक्स की जो है स्पेसशिप को तबाह कर दिया है। अब जो वो स्पेसशिप थी ना, वो अर्थ के कोर पे टारगेट रख के खड़ी हुई थी और विलगैक्स के हुक्म पे ही फायर करती और पूरा का पूरा अर्थ तबाह हो जाता, लेकिन अल्टिमो और ग्वेंडोलिन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। यहाँ पे अल्टिमो बेन से पूछता है कि एज़मथ किधर है। बेन बिना कुछ कहे चुपचाप से एक पोर्टल के अंदर चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बस भाई, और कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या इसका एपिसोड 2 या फिर एलियन फोर्स से रिलेटेड कुछ आ सकता है, तो तुम लोग जरूर से लुक्स टेनेब्रिस के चैनल पे जा सकते हो और उससे भी जाकर ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। और हाँ, वैसे भी उसने एक प्रोमो डाल दिया है जो कि एलियन फोर्स वर्सेस हाइब्रिड का है, यानी कि बेन 10 एलियन फोर्स वर्सेस हाइब्रिड का, जो कि दिखने में काफी कूल है। और अगर तुम लोग चाहते हो मैं इसे भी हिंदी में डब करूं तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना, मैं जरूर कर दूंगा। बाकी तुम्हें अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना। और हाँ भाई, अगर तुम लोगों ने फेस रिवील वीडियो नहीं देखा है तो उस पे कम से कम 1,000 व्यूज करवा दो यार पूरे। अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, बहुत मेहनत लगा था यार उसे बनाने में। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।